गलतियां करते हैं या फिर जो चीजें हमसे छूट जाती हैं जिसका बाद में हम लोग को अफसोस होता है उसी पे डिस्कस करते हैं। अपन ना फर्स्ट ईयर में ना सोचते ही नहीं कि करना क्या है, सबको ये रहता है कि अभी तो कॉलेज स्टार्ट किए हैं तो पहले पढ़ लेते हैं, 4 साल 3 साल जितना भी पढ़ते हैं अभी पढ़ लेते हैं, जब फाइनल ईयर आता है तो हमारा माइंड कहीं और चला जाता है कि अब क्या करना है। तो सबसे पहला चीज जो हम छोड़ देते हुए है कि क्या करना है वो अभी से डिसाइड करना है। अभी स्कूल में जाना, किसी स्कूल के बच्चों से पूछोगे ना क्या करना है तो उसको उसका एम पता है। अभी हम लोग जब स्कूल में जाते ना, हालांकि हमारे टाइम पे नहीं था इतना, पर अभी हर बच्चे को पता है। या मेरे घर के बच्चे क्या बोलते हैं, मुझे NIT में जाना है तो मुझे इसके पहले ये पढ़ना है, उनके दिमाग में ये बना हुआ है। तो क्या आप लोगों के दिमाग में बना है कि आप लोगों को जब यहाँ से निकलोगे तो क्या करना है? कितने लोगों का डिसाइडेड है तो क्या करना चाहते हो? तो आप 12th के बाद यहाँ आए हो, 10th के बाद आए हो, तो क्यों 10th के बाद फिर इंजीनियरिंग जब करना है तो आप 12th के बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग में तो कर सकते हैं, डिप्लोमा क्यों करना? मैं तो सोच के आई थी कि डिप्लोमा होल्डर से ही बीटेक करूंगी, उसके बाद फिर बीटेक के बाद वहां तक का सोचो। कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी ना तो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक मेरा एक ही डायलॉग रहता था, जब कोई पूछता था कि आगे क्या करोगे तो मैं सबसे पहले एमटेक करूंगी। और मैं रियली बता रही हूँ, मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद एमटेक नहीं किया, तो इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा ना सोचती तो थी लेकिन उस दिशा में मैंने काम ही नहीं किया। गेट का एग्जाम होता है ना इंजीनियरिंग के बाद, मैंने उस एग्जाम की तैयारी नहीं की तो गेट में सिलेक्शन कहाँ से होगा? वही नहीं सिलेक्शन, तो अब सिलेक्शन नहीं होगा तो कहाँ से एमटेक करोगे वाली बात है। और फिर 1-2-3 साल तो मैंने ऐसे इधर कभी उधर ऐसे से कुछ कुछ करते निकाल लिए। तो ये आप लोग के साथ ना हो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो पहले जॉब करके पैसे करोगे, फिर पैसे से फिर आप अपना खुद का शॉप खोल के खुद का ऑन करोगे। अच्छा चलो, इनका पूरा प्लान सेटअप है, ताली बजाओ। अपने को क्या करना था, मेरे को बता रही हूँ कि स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज करके इंजीनियरिंग करोगे तो मतलब इंजीनियर बन जाओगे, और इंजीनियर बन जाओगे मतलब नौकरी मिल जाएगी। पर ऐसा होता है, छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग करके निकले, जब निकले तो पता चला कि यहाँ पे स्कोप ही नहीं है। मैं बहुत सारे जैसे फ्लाइट के कॉलेजेस थे, रूटा कॉलेज उधर ओपन कैंपस जब लगता था, मैं हमारे कॉलेज में कैंपस आता ही नहीं, तो वहाँ जाके आपको कैंपस में मैं जाती थी कि सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन कहाँ कहाँ के होते हैं, बाहर की कंपनियाँ, बैंगलोर, चेन्नई, इधर के गाँव के लोग क्या चेन्नई में अपने बेटे को भेज देंगे नौकरी करने के लिए? नहीं, मेरे को पॉली करने के बाद बीटेक आना है, बीटेक के बाद एमटेक करना है, फिर प्राइवेट सेक्टर में तुझे इंजीनियरिंग का अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है। एमटेक करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में तुझे इंजीनियरिंग क्यों? अरे प्राइवेट सेक्टर में जूनियर इंजीनियरिंग में कुछ जॉब करनी है आपको, तो आप तो बीटेक के बाद भी एग्जाम दे के कर सकते हो ना, एमटेक क्यों करना है फिर नॉर्मल है ना? जो चीज जरूरी नहीं है चीज करना ही नहीं चाहिए, जितना जरूरी है जितना आप लोग को करने से आपके लाइफ का गोल मिल जा रहा है उतना ही करो ना। एमटेक करने के बाद लोग PhD भी करते हैं, हम लोग के दिमाग में वही रहता है कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, लेकिन उसके बाद क्या? और देखना एमटेक करने के बाद भी फिर लोग आगे CGPSC एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जब CGPSC करना ही था तो बीटेक के बाद ही करना, आपका 2 साल बच जाता है, और 2 साल में आप और अच्छा पढ़ लेते, क्योंकि जो अभी का एज है ना आप लोग का, इसमें आप लोग का माइंड सबसे ज्यादा वर्क करता है। अभी आप याद करोगे किसी भी एग्जाम में सारी चीजें याद होंगी, लेकिन जब आप एमटेक बीटेक सब करोगे ना फिर एज हो जाता है, अब घर से प्रेशर इतना बढ़ा लिए, पॉली करवा लिए, बीटेक करवा लिए, एमटेक करवा लिए, उसको जॉब ही नहीं मिल रहा है, तो प्रेशर रहता है, और प्रेशर में जब पढ़ते हो ना तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, फिर आप लोग का सिलेक्शन भी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए आपको कौन से फील्ड में जॉब करना है ये आप से सोचो। मैं बता रही, मेरे कॉलेज का जो टॉपर था ना, वो उसने
स्कूल में टीचर मतलब ट्यूशन पढ़ाना ये सब करना शुरू कर दिया कॉलेज के बाद। कॉलेज में टॉपर थे, इंजीनियरिंग में टॉपर था, और अभी वो कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा जॉब कर रहा है। तो जब मैं उससे बात होती है ना तो मेरे को बहुत लगता है कि इतना काबिल इंसान जो कॉलेज में टॉप कर देता है और वो चार साल की पढ़ाई के बाद वो उसकी लाइफ इतनी डाउन क्यों हो गई, क्योंकि सही टाइम पर सही डिसीजन उसने नहीं लिया। तो आपको तो वही डिसीजन सही लेना है। और सबसे ज़्यादा अभी घर से बाहर निकले हैं कितने लोग, रायपुर प्रॉपर रायपुर के हो और बाकी सब गाँव से हो आसपास के। हाँ तो होता ही ना कि जब गांव में स्कूल में पढ़ लिए उसके बाद शहर में कॉलेज के लिए आते हैं ना, तो कई लोग तो यही रह रहे होंगे और यही रहने के साथ साथ मतलब वहाँ से कई लोग अप डाउन भी करते हैं, तो माहौल बड़ा चेंज होता है। अभी तक हम रहते थे गांव में, अब रह रहे हैं शहर में, तो हम लोग ना शहर के लोगों को भी देखते हैं, तो हमारे मन में ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ये आता है कि वो लोग ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं तो मैं उनके जैसा बनूँ। हम लोग पूरा का पूरा वर्क किसमें करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने में, पर हम क्या में वर्क करते हैं, अपने आप को शहर के जो लोग रहते हैं ना उनके जैसा बनाने में। क्लब में बाद में डांस करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको सब अच्छा लगता है, पर उनको ये नहीं पता था कि ये अच्छा लगने के चक्कर में उनका आगे का कितना खराब हो रहा है। क्योंकि जिस फेज में आप होना उस फेज से मैं गुजरी हूँ, तो मैं शुरू में मैं कॉलेज अप डाउन करती थी, फिर सेकेंड ईयर में मैं हॉस्टल में रही। जैसे ही मैं हॉस्टल में रही ना मेरे अंदर भी चेंजेस आया था, क्योंकि मेरे साथ जो हॉस्टल में लड़कियाँ रहती थी ना उन्हें बहुत एडवांस लगती थी, वो मैं मुझे ना उनके सामने अपने आप को बहुत डाउन फील होता था, मतलब कॉम्प्लेक्स फील बोल सकते हो कि ये लोग तैयारी घूम लेते हैं, यहाँ जाते हैं मूवी देखने जाना, रात को घूमना, अब तो घर वाले हैं भी नहीं ना, कितने बजे आ रहे कितने बजे जा रहे किसको पता चल रहा है, फ्री है मोबाइल में कुछ भी चला लो किसको पता चल रहा है, फेसबुक में या किसी से भी आप चैट करते हो फिर घंटों बात कर रहे हो, घर पर रहोगे तो माँ बाप एक बार टोक देंगे किससे बात करें इतनी देर से, लेकिन हॉस्टल में रहोगे तो रूममेट बोलेगा तो जा बाहर बात कर ले बोलेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। तो फिर हम गलत संगति ही पढ़ते हैं,